कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और मुख्य विकास अधिकारी सचिन की सकारात्मक पहल पर विकास भवन परिसर में दीपावली मेला आयोजित किया गया है। इस मेले में स्वयं सहायता समूह के आर्थिक विकास एवं उनके प्रोत्साहन और हर घर हर दिन आयुर्वेद की थीम पर आयुर्वेद को बढ़ावा देने तथा इसके लाभों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं। मेले में यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं का निःशुल्क वितरण भी किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी सचिन ने बताया कि मेले में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के स्टॉल के साथ साथ कृषि मत्स्य एवं अन्य विभागों द्वारा भी अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जरी जरदोजी के वस्त्रों का भी स्टॉल लगाया गया है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि अब हम लोग सभी आगामी त्योहारों की तैयारी में हैं। दीपावली एक मेन त्यौहार होता है जिसमें हम लोग सभी हर्ष और उत्साह उल्लास के साथ इसको मनाते हैं। जनपद में हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन सभी के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे प्रयास से दिया, मोमबत्ती और पूजा सामग्री सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर ये मेला जो लगाया है वो इसी उद्देश्य से लगाया है कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं उनको एक मौका मिले अपने कार्य को शोकेस करने का, और चूंकि दीपावली आने वाली है तो उनकी अच्छी बिक्री हो, इसलिए प्रशासनिक तौर पर इस मेले को आयोजित किया गया। जैसा कि जानते हैं, भारत सरकार ने पिछले 7 वर्ष पूर्व एक आयुष विभाग का गठन किया था, तो उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे हमारे जो भारत में जो भी जड़ी बूटियाँ हों जैसे उत्पाद हैं उनसे इस तरह का हम लोग दवा बनाए। हमारा 7वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, 23 तारीख को धन्वंतरी दिवस है, उसी उपलक्ष्य में हर दिन हर घर आयुर्वेद के अंतर्गत यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं दोनों मौजूद हैं, जिस कि जो जनरल पब्लिक है उसको इजीली ये दवाएं प्रोवाइड हो जाएं। आयुर्वेद का मेन मतलब है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस विकार प्रशमन, यानी इसका मतलब होता है स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसको बीमारी से मतलब बचाने के लिए ये मतलब दवाई चलाना। तो इसके तहत हमारे यहाँ एक रक्षा आयुष रक्षा किट आया है जिसमें पूरी इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हैं, उसमें एक काढ़ा है, च्यवनप्राश है और एक ग्लोय की वटियाँ हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी पूरी बूस्ट होती है। इसके अलावा और हमारे पास पेट संबंधी जितनी भी बीमारियाँ उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे इलाज है।